Okay, so hello everybody and welcome back to another video of our series RRR. And guys, this is the part 9 of reaction on Jewel. Guys, yeah, Jewel ki videos pe aap back to back kar dete jaate ho, lekin yaar kuch videos se pichli ek do videos se aapne like wagera thodi kam kar di dabane, kya ho gaya? Matlab like wagera kam kar di tumne. Is baar target rakhe hain ek chhota sa, chalo 200 likes ka target rakhte hain guys, 200 likes sirf, theek hai? Abhi dabai do like, yaar chalo starting mein daba do, koi dikkat nahi. So let's go guys, karte hain react on the part 9 of Jewel. Hum dosto, पहले तो मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ. कल मैंने 5 मिनट की वीडियो डाल दी और एक भाई साहब ने कमेंट किया है, एक तो 5 मिनट की वीडियो ऊपर से 2B कंटिन्यू कर दिया, तो भाई तुमको अलग से सॉरी. तो गाइस देखो, कल एक जरूरी काम आ गया था मोदी जी को, इसलिए भाई साहब मैं सो गया था. लगता है हमारे शब्द मेल जोल नहीं कर रहे हैं, दूसरा वाला ट्राई करते हैं. देखो गाइस, कल ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था यार, फोन की बैटरी खत्म होने के बाद फोन चल ही नहीं रहा था. दुकान वाले को ले जाके दिखाया तो उसने मेरे को पकड़ के पीट दिया, इसीलिए कल तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में CPU में भर्ती था. नहीं सॉरी ICU में भर्ती था. फिलहाल यार शुरू वहीं से करेंगे जहाँ से छोड़े थे. देखो यार भाई साहब, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम वेट करते हैं जोन बनने का, और फिर फाइनली जोन बन जाता है अटारपेंट की तरफ. हम गाड़ी लेके निकल जाते हैं भाई साहब, लेकिन हमारे 4 नंबर भाई अडेलबॉम से लंडे उतार रहे थे, लंडो ने इन्हीं को उतार दिया. अब गाइस यार देखो, ऐसी परिस्थिति में किसी भी इंसान की बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए तुम्हारा भाई एड़ बेड़ गाड़ी चला के यहाँ पे लाके ठोक देता है. और यार आप देखो, हमको तो लगा था यार यहाँ पे होगी 4-5 स्क्वाड कम से कम, लेकिन साला एक लूंडो मार के किचन डिनर हो गया भाई. यार भाई साहब ये तो अनबिलीवेबल बल बल हो गया. सोम दत्त पांडे धिक चुंदिया तान दे. फिलहाल भाई साहब तुम्हारे भाई अनबिलीवेबल बल 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 ने दूसरा मैच लगा दिया है. और भाई साहब बड़ा रोमांटिक ग्राफिक्स आया यार इस बार. अरे चलो यार भाई साहब एग्जिट करो यार, इसमें आंख से आंसू आने लगता है. आजा आजा लड़की है, मतलब इतना भी खतरनाक ग्राफिक्स नहीं है, सही इतना चलता है, मैनेज कर लेंगे भाई. अबे ये तो लौंडा लग रहा है. नहीं है चादर बड़ो साले, मेरे से मजा ले रहा बाहर. अब गाइस यार हमने दूसरा मैच लगा दिया है और यार ये वाला ग्राफिक्स बहुत सही लग रहा है हमको. ग्राफिक्स तो चलो ठीक ठाक है यार, लेकिन रईस लॉबी लग गई भाई, हेलीकॉप्टर भी चल रहा है हमारे साथ में. अरे हमें भी बैठने का मौका मिलना चाहिए. अबे हेलीकॉप्टर है, प्रसाद थोड़ी है जो सबको मिलना चाहिए. वैसे अगर तू बैठना चाहे तो बैठ सकता है, क्यों नहीं बैठता भाई. नाम का क्या दिक्कत, बात तो थारी सही है. अच्छा ओपी, अगर तेरे पास हेलीकॉप्टर खरीदने जितना पैसा हो जाए तो पहले तू क्या करेगा? पहले ड्राइवर रखूंगा. अबे साले एक फ्री की नसीहत दूं, पहले तो पढ़ाई में अपने पैसा खर्च करना, थोड़ा दिमाग वमाग बढ़े साले. पहले ड्राइवर नहीं, पहले हेलीकॉप्टर खरीदना, तब ड्राइवर खरीदना. एक मिनट, हेलीकॉप्टर ड्राइवर चलाएगा, पायलट नहीं, ठीक है? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं. खैर छोड़ो भाई साहब, तो चलिए धंधा शुरू करते हैं. देखो गाइस, हमारे आसपास कोई लौंडा लग रहा है तो हम आ गए रस करने भाई साहब. अबे अबे भाई 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 हो भाई 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 मारो की मार मार साले को मार. अबे तेरे को स्पेक्टेट करने से पहले पेटी बन गई बेतरी तो. अबे साला इसको स्पेक्टेट करने का मौका भी नहीं दिया. रुको भी, कोई वर्ल्ड चैट से कमजोर लौंडा बुलाते हैं अपने से लो टायर का, और उसको लीडर दे के उससे स्टार्ट करवाते हैं. लॉबी खतरनाक लग जा रही है हमसे. रुको पहले हमको हमारी रिक्वायरमेंट डालने दो भाई साहब. पहले तो साला माइक्रोफोन ऑन करे भाई अपना, और दूसरा गोल्ड, गोल्ड से नीचे नहीं आता क्या? अबे सिल्वर वगैरह कहाँ है? चलो खैर गोल्ड वाले ही आ जाए, बढ़िया रहेगा भाई. अबे ये तो साले डायमंड प्लेटिनम वाले आ गए बे. चलो चलो प्लेटिनम वाले भाई साहब हमारे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर भाई. तो गाइस अब देखो, तुम्हारा भाई लौंडो को इसमें ऐसा मारेगा भाई साहब, लथेड़ लथेड़ दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दीवार में लड़ा लड़ा के मारेंगे भाई. जुड़वा मूवी की तरह एक को मारेंगे दूसरे को भी दर्द होगा, इतना बता दे रहे, ऐसा मारेंगे भाई. अबे ओपे लौंडा छेड़ रहा, लौंडिया है. हेलो एक मिनट, हेलो ऑल पे खाली हो? नहीं पहले ये बताओ लौंडिया हो? कहीं लौंडा तो नहीं छेड़ रहा मैं भाई साहब. आजकल के लौंडे भी भाई सेट हो जाते हैं पैसा देख के, गोल्ड डिगर लौंडे मिलने लग गए साले. आधी रात को रिचार्ज करवा के कहेंगे भाई तू सो जा मैं भी लौंडा हूँ. अरे हेलो ऑल पे बोलो तो लौंडिया. अबे ससुरी बोलोंडी के, पहले ये पता कर लौंडिया है कि लौंडा है, सिंगल है देख रहा उसको. फिलहाल गाइस एक बार हम फिर से आ गए मिल्टा, बोले तो मिटला. पिछले वाले मैच को इग्नोर करो, जिस तरह हमारे यहाँ पे हाल हुआ था, खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर सूरज नीचे गर्मी, अभी है बाकी जून. फिलहाल गाइस यार हमको लग रहा है हमको फिर से दूसरा मैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार हमको लौंडो मिल गया. बे, 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 भाई ओ फंस गया भैया. हेलो हेलो हाड़ू 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 भाई भाई रहने दे रहने दे भाई. साला आजकल मेरे गेम प्ले का केवल 2 ही स्टेज बचा है, स्टार्ट एंड स्पेक्टेट. कमबख्त साला अपना कैरेक्टर ही भूल गया भाई. फिलहाल गाइस यार हमको ऐसा फील हो रहा है कि मिटला जो है हमारे लिए पनौती जगह है, इसलिए भाई साहब हम जाएंगे लेटरिंग बेस. कहे कि यार यहाँ पर जब जब तुम्हारा भाई गया है तो फिर वापस जरूर आया है, वो चाहे लॉबी हो या एंगल का कोई दूसरा जगह.
फिलहाल गाइस अभी हमारे साथ दो रैंडम टीममेट है और चार नंबर जो हमारे टीममेट है ना उनकी इच्छा है कि वो पेटी अपनी अलग से बनवाएंगे। अब यार देखो किसी की ऐसी इच्छा है तो उनको कुछ कह नहीं सकते, इसलिए भाई साहब हमने केवल गाली देके भगा दिया। और लगता है हमारे के अकॉर्डिंग तीन नंबर काफी अच्छा आदमी लग रहा है क्योंकि हमको इसने फॉलो किया है, क्योंकि यार एक अच्छा आदमी को केवल अच्छा आदमी समझ सकता है, अच्छा आदमी पहचान सकता है। तो यार हम लैंड करके हैं यहाँ पर, बंदे ना के बराबर आए हैं, तो चलिए धंधा शुरू करते हैं। तो गाइस यार अभी अभी एक अपडेट आया है कि यार हम ही केवल अच्छे हैं, तीन नंबर अच्छा आदमी नहीं है, ये साला ऑफलाइन था इसलिए फॉलो किया था। फिलहाल गाइस हमने पूरी लेटरिंग साफ कर दी है, मतलब मिलिट्री बेस लूट के साफ कर दिया है। और अब देखो भाई साहब हम आपको बिना घमंड किए एक टिप्स देंगे, यहाँ से उतरने का टिप्स, डायरेक्ट कैसे उतरे और आपकी हेल्थ भी कम नहीं होगी। तो यहाँ से आपको इस तरह छलांग लगाना है, आयो 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 आयो। तो गाइस हो सकता है यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक लगाना ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ आप सीढ़ी से उतरो, सीढ़ी से हो सकता है उतरते समय आपको लूट भी मिल जाए, है ना। तो कैसी लगी आपको टिप्स एंड ट्रिक कमेंट करके बताना। आजा आजा ओपी, हेल्थ नहीं कम होती, आजा कूद कूद कूद, 1 2 5 कूद जा, शाबाश बेटा। अब गाइस देखो तुम्हारे भाई ने अपनी पर्सनल भाड़े की फ्लाइट मंगाई है, और भाई तुम्हारे भाई ने उसको इतना पर्सनलाइज कर रखा है, उसमें मेरे बैठने के लिए जगह नहीं है तो मेरे को टांग के ले जाएंगे अभी ये। अबे बस कंडक्टर तक तो ठीक था, साले प्लेन कंडक्टर भी बना दिया, प्लेन के बाहर टंगा दिया मेरे को। देखो यार भाई साहब इस मैच में 4-5 पड़ाव होते हैं, देखो यार पहले स्टार्ट, फिर लैंडिंग, फिर लूटिंग, फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, फिर उसके बाद लॉबी। और गाइस इस वक्त हम स्टार्ट लैंडिंग लूटिंग ये क्या हो रहा है लॉबी पड़ाव पर है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। और गाइज हमारे ओपी टीममेट के अकॉर्डिंग लौंडे होंगे जजरोपुल में, तो भाई साहब हम भाई की बात मानेंगे ताकि अगर जजरोपुल में लौंडे ना भी मिले तो हम इसको दोष दे सके, इसको साले को कस के लतियाएंगे अगर हमको वहां पर लौंडे ना मिले तो। देखो यार गाइज हमको लग रहा है यार यहां पर लौंडे हैं, क्योंकि यार हमको वेयरहाउस के पास बग्गी दिख रही और ससुरा वो कहा था भाई जजरोपुल में लौंडे हैं चलो साथ में, हम आ गए लेकिन साला वो नहीं आया। बे कहाँ है भाई ओपी, भाई साहब आज मुझे फील हो रहा है, प्रो होना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी टीममेट का साथ होना है। अब गाइस यार हमको देखो लग रहा है ये बोट आ रहा है, तो इस बोट को हम अपने स्टाइल में बनेंगे, बोले तो बोट के स्टाइल में, हाँ मतलब कि मैं बोट हूँ। देखो यार भाई साहब अगर हम इसको अपने बोट के स्टाइल में मारेंगे तो बंदों को लगेगा कि यहाँ पे बोट दो आपस में लड़ रहे हैं, और सोचो यार वो बंदा कैसा होगा जो हजारों किलोमीटर मतलब हजारों मीटर बग्गी लेके आया हो यहाँ पर लूटने, वो तो एक नंबर का साला बोट किलर होगा। अरे देवा भाई साहब इधर भी बग्गी लगी है बे, मतलब पूरी स्क्वाड तो नहीं आई है कहीं है। अरे आ जाओ रे कोई, इस फकीर चंद की लकीर ठीक नहीं लग रही है, लौंडे मिलते नहीं। तभी हमारा टीममेट कहता है भाई हो सकता है सिटी में गए हो लूटने, अबे साले लुटेरे हो के ठेकेदार हो बे, कहां कहां लूटते हो भाई तुम लोग। अरे फायर फायर हो रहा है गाइस, फायर हो रहा है, सामने वाली मेन बिल्डिंग में है लौंडे, देखो कैसे ढूंढ। अबे बे बे मार रहे भाई, मार रहे मार रहे, रुको डैमेज दो अंदर आओ, अरे ये तो डैमेज खाओ अंदर आओ वाला हो गया। भाग रही हो जानी, एक की तो याद आ गई नानी, ओपी ने मार दिया भाई एक लौंडे को, वाह रे ओपी तेरी जवानी लगता है अब नहीं निकलता है पानी, वाह वाह गाइस क्या राइमिंग बनाई है, साला गोला देखो कितना दूर फेंका है, तमीज है भाई तेरे पास, घुस घुस ओपी घुस घुस, मैं तेरे पीछे ही हूँ, अबे घुस जा घुस जा, घुसेड़ दिया मैं तेरे पीछे हूँ टेंशन ना ले। अब गाइस देखो हम घर में घुसेड़ के अपने टीममेट को रिवाइव देंगे और सालों का क्लच करेंगे, तो मैं कौन सा तुझे बचाने आ रहा, मेरी खुद की गारंटी है नहीं, भाग भाई भाग हो जाओ, मेरा गैंग बैंग होने वाला है। बड़ी खुशी मना रहे थे, मेरा गैंग बैंग होने लगा है, सालो तुम्हारा अलग से हिसाब किताब करूंगा। अबे 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 ताले मार ले भाई, मार ले नहीं मार ले और बुला ले तो चार लौंडे। चलो ठीक है गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक का बटन दबा दिया था आपने, नहीं दबाया तो अब दबाओ, ठीक है कमेंट कर दो नीचे यार, और किस से रिएक्ट करें धीरे धीरे गाइस, 2 या 3 वीक की बात है मैक्सिमम, उसके बाद डेली एक एक रिएक्शन वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।